जब भारत में राज्य हैं ही तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों? केंद्र शासित प्रदेश रखने का क्या उद्देश्य? वैसे प्रदेश जो दूर हों, छोटे हों तथा राष्ट्रीय महत्व रखने वाले हों, या जहां एक ही जगह पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हों, उन पर शासन कोई अन्य पार्टी अपनी तरह से ना चलाकर देश से अलग कुछ गतिविधि ना कर सके, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें सीधे अपनी निगरानी के अंदर रखती है। वैसे प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वहाँ उपराज्यपाल कार्यभार को संभालते हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख तथा चंडीगढ़।